1857 भारत के इतिहास का वह वर्ष जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में दर्ज हो गया, किंतु इससे पहले भी कई बार अंग्रेजों के विरोध में आवाज उठी और ऐसी ही एक आवाज थी तिलका मांझी। तिलका मांझी एक वनवासी क्रांतिवीर, गोरिल्ला युद्ध का वो साहसी योद्धा जिसने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए। 18वीं शताब्दी आते आते अंग्रेजों का अत्याचार पूर्ण शासन भारत में अपने जड़ें जमा चुका था। बिहार के वनवासी क्षेत्रों में नवाबों और जमींदारों के सहयोग से वनवासी लोगों की भूमि पर कब्जा कर लिया गया और उन पर अमानवीय अत्याचार होने लगे। इन्हीं अत्याचारों के विरोध में और मातृभूमि की रक्षा के लिए एक ललकार बनकर उभरा तिलका मांझी। तिलका मांझी का जन्म संथाल वनवासी समुदाय में 11 फरवरी 1750 को बिहार के सुल्तानगंज में हुआ था। इनके गांव का नाम था तिलकपुर और अपने गांव के नाम से ही यह क्रांतिवीर तिलका मांझी के रूप में जाना गया। तिलका मांझी 20 वर्ष के थे जब 1770 में एक ओर अंग्रेजों का अत्याचार था तो दूसरी ओर भीषण अकाल पड़ा। तिलका ने अंग्रेजी शासन का खजाना लूटकर गरीब लोगों में बांट दिया। उनके साहस को देखकर अनेक संथाल युवक अंग्रेजों के विरोध में एकजुट हुए और एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो गया। अगले वर्षों तक उन्होंने अपने क्रांतिकारी दल के साथ अंग्रेजों को लोहे के चने चबवा दिए, किंतु अंग्रेजों के हाथ ना आ सके। 1784 में उन्होंने भागलपुर में अंग्रेजी सरकार पर धावा बोल दिया। 13 जनवरी 1784 को ताड़ के पेड़ पर चढ़कर घोड़े पर सवार अंग्रेज अधिकारी अगस्टस क्लीवलैंड को अपने जहरीले तीर का निशाना बनाकर मार गिराया। अंग्रेज अधिकारी की मौत से पूरी ब्रिटिश सरकार सकते में आ गई। अंग्रेजों ने इस क्रांतिवीर को पकड़ने के लिए क्या षड्यंत्र रचा, यह जानने के लिए देखिए दूसरा भाग, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।